खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनाएगा केजरीवाल पर फैसला। आपको बता दें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने खुद चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो मेरी गिरफ्तारी की है वो इलीगल है, अवैध है, और ऐसे में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब कल अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में यह अपील की थी कि ईडी ने जो उनकी गिरफ्तारी की है वो अवैध है। हालांकि ईडी ने भी अपने पक्ष से तमाम दलीलें रखी हैं। सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और अब कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा होगा, क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी को लेकर कि वो वैध है अवैध है, जो ईडी ने गिरफ्तारी की है उस पर फैसला सुनाया जाएगा।